आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव। तो मटन पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे मटन की यखनी। तो मटन की यखनी बनाने के लिए हमें बनाऊंगी इनके वो सारे जो स्पाइसेस वगैरह डाल के ना कपड़े में बांध के फिर इसको मैं यखनी में डाल के वैसे बनाऊंगी। बास लोग जो है गरम मसाला सारा खुला डालते थे, मैंने डालती मैं कपड़े में बांध के जो है ना फिर मैं डालती हूँ ताकि वो यखनी में फैले ना चिपके ना इस तरह से। तो यहाँ पे जो है मेरे पास मटन है, मटन ये तकरीबन मेरे पास है 1.5 kg सही। तो मैं इसके बनाऊँगी मटन पुलाव। तो यहाँ पे जो मैं स्पाइसेस गरम मसाले के ऐड करूँगी तो मैं आपको सब दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ले ली दो बड़ी इलायची, दो चार आ गए यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े, यहाँ पे हम ले लेंगे जीरा, सारी चीज़ें ना यखनी के हिसाब से ली। अब मैं अपनी यखनी के हिसाब से सारी चीज़ें डाल रही हूँ, सौंफ, जीरा और बड़ी इलायची, दालचीनी मैंने ये सब यहाँ डाल दी है। और फिर इसके बाद यहाँ ऐड करेंगे हम प्याज और हरी मिर्चें। अच्छा, इसमें ना साबुत अदरक लहसुन भी डालते हैं, बट मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है साबुत अदरक लहसुन, तो उसकी जगह जो है मैं पिसा हुआ यूज़ करूँगी। और साथ ही इसके हम कर देंगे ये धनिया। तो मैं अपनी यखनी के हिसाब से डाल रही हूँ, अपनी यखनी के हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह ले लिए, अब आप लोग ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये सब डाल ली, गरम मसाले वगैरह। बस इसमें सिर्फ अदरक लहसुन साबुत नहीं है, बाकी अदरक लहसुन अगर आप साबुत हो तो वो भी डाल लें। तो मेरे पास आने में पिसा हुआ डालूंगी अदरक लहसुन। अच्छा, ये प्याज और हरी मिर्च जो है ना जब ये गोश्त में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी ना तो इसी को निकाल के हमने पीस लेना है दही में, दही के साथ। तो ये हरी मिर्च और प्याज जो है मैं निकाल लूँगी जब मेरी यखनी तैयार हो जाएगी, और इसको फिर मैं दही के साथ जो है ना पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती जाऊँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसकी जो है ना वो बना लिए पोटली सी। अब मैं ये जो है यखनी में डालूँगी। यहाँ मैंने जो है अपने गोश्त को जो है पानी में डाल दिया। अच्छा, मैंने गोश्त के हिसाब से जो है ना पानी लिया है, सही। तो आप लोग देख लिया। अच्छा, यहाँ पे ये डाल रही हूँ, ये जो मैंने पोटली बनाई थी मैं ये डाल देती हूँ इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन यहाँ मैंने ये 1 स्पून लिया, भर के बड़ा चम्मच ये, और 1 चम्मच इसी तरह का और टाइप। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक में यहाँ डालूँगी 2 चम्मच अपनी यखनी के हिसाब से, बाकी ये क्या आप लोग को फिर अपनी गोश्त के हिसाब से ही कि नमक ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। यखनी का पानी निकाल लिए, यखनी बिल्कुल अलग कर ली है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था प्याज और हरी मिर्ची जो मैंने उसमें डाली थी ये भी मैंने बिल्कुल अलग कर ली है, निकाल ली है। और अगर साबुत अदरक लहसुन होता ना तो वो भी हम इसी के साथ डाल के पीसते, लेकिन मेरे पास साबुत अवेलेबल नहीं थे तो मैंने पिसा हुआ डाला है यखनी में। यहाँ पर मैंने इस तरह से गोश्त बिल्कुल अलग कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक ऑनियन लिया, यानी कि स्मॉल साइज से ज़्यादा बड़ी नहीं, उसको मैंने कटिंग कर ली है। प्याज ब्राउन करके अलग से निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास दही है। अब मैं ये तीनों दोनों चीज़ें पीस के और जो है ना फिर आपको आगे का बताती हूँ। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। अब ऑयल गरम हो रहा है तो यहाँ मैं डालती हूँ प्याज। ऑयल गरम हो चुका है। हाँ, मैंने जो है हरी मिर्चें, प्याज और दही को इस तरह से जो है ना वो ब्लेंड कर लिए। अब इसमें जो है हम ऑयल में जो है पहले डालेंगे साबुत गरम मसाले, तेज पत्ता है, दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्ची। इसको
थोड़ा सा। हाँ अब वो डालेंगे, बाद इसमें हम डालेंगे मिक्सचर दही वाला। अच्छा नमक वगैरह मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी इसलिए, क्योंकि मैंने यखनी में नमक डाल दिया था इसलिए। बस अभी इसको जो है ना मैंने अच्छे से भून लेना है कि ये इस पर जो ऑयल जो है ना इसका वो पूरी तरह से ऊपर आ जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है, अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसमें गोश्त डाल दिया, गोश्त डाल के हमने इसको खूब भूनना है। अच्छा मटन आप जो गलाएंगे ना, तो मटन को आप यानी कि कुकर में मैंने तो 15 से 20 मिनट चलाया था, तो मटन को ये कि ज़्यादा नहीं गलाना, थोड़ा सा वैसा रखना है, क्योंकि यहाँ भुनाई वगैरह भी होगी ना, तो भुनाई में भी वो गल जाएगा मटन, तो इसलिए मैंने थोड़ा गलाया था, थोड़ा वैसा रखा था कि वो जब मैं भुनाई करूँगी थोड़ा यखनी वगैरह डाल के रखूँगी तो उसमें ये पक जाएगा सही से। इस तरह से यहाँ इसको भून लूँगी। अब इसको भी हमने इतना ही भूनना है कि ऑयल जो है ना और मज़ीद ऊपर आ जाए, बिल्कुल भुन जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। यखनी में जब ऐड करूँगी, जब मैं इसमें चावल डालूँगी, उस अभी मैंने इसे भून के चूल्हा बंद कर देना है, और फिर जब मैं यखनी डालूँगी तो फिर ये कि जब मैं चावल डालूँगी तो जब भी मैं यखनी डालूँगी फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाऊँगी। अभी बस हमने इसको इतना भुनना है कि इसके ऊपर ऑयल अच्छे से आ जाए, तो चूल्हा हमने बंद कर देना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरी यखनी बिल्कुल जो है ना क्या नाम है तैयार है, और मैंने इसमें ऊपर से जो है ना बड़ी हरी मिर्च डाली है, ऑयल ऊपर आ चुका है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब जब हम इसमें यखनी वगैरह डालेंगे उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। हाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है यखनी डाल दी है, यखनी डाल के मैं इसमें एक उबाला आने दूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। यहाँ मैंने यखनी में चावल ऐड कर दिए हैं। अभी मैंने इसमें चावल डाले, अब हम आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पुलाव की फाइनल लुक,